एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम आज हो चुका है। एक साल वेट करने तो बाद आज फाइनली एग्जाम हो चुका है सारे का। स्टूडेंट के रिव्यूज लेने तो बाद असी आज हूँ इसका एनालिसिस करांगे। एग्जाम किवें दा सी, पार्ट ए किदा दा सी, पार्ट बी किदा दा होया स्टूडेंट्स का। कई बच्चों के रिव्यूज लेने तो बाद उन्होंने पूछने तो बाद कि किदा रहा एग्जाम असी एनालिसिस करिया। कई बच्चों के कॉल्स आईया, उन्होंने कहा कि एग्जाम का लैवल जो सी पटवारी वर्गा नहीं सी। जिवें पटवारी का एग्जाम लास्ट वीक होया तो सारे बच्चों सी कि पेपर बहुत ईजी है, बट उन्होंने उसी टाइम अवेयर करता सी कि एक्साइज का पेपर जो है वह बिल्कुल एज इट इज उदा नहीं आ सकेगा, हो सकता है मॉडरेट लेवल हो। वही होया एग्जाम के अंदर, अज का जो पेपर सी वह ईजी लैवल का नहीं सी, मॉडरेट लैवल का एग्जाम अज देखने को मिलिया। पार्ट ए पार्ट बी दोनों लैवल जो सी वह मॉडरेट टाइप के सी। गल करिए तो यह सीगा क्वेश्चन पेपर पार्ट ए, जिसके अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिले वो 50 क्वेश्चन सी, जिसके अंदर 25 दी कट ऑफ जो है वो जानी सी क्वालिफाइंग नेचर का सी पार्ट ए। एंड जो पार्ट बी सी आ सी साडा पार्ट बी, जिसके अंदर एक मिनट, जिसके अंदर पार्ट बी के अंदर 100 क्वेश्चन आने सी एज इट इज वही पैटर्न सी जो पटवारी एग्जाम का सीगा, बट लैवल अलग अलग रहा। होप सी कि एवें ही एक्सपैक्ट करया जा रहा है कि एग्जाम होएगा। हुण गल करते हैं किवें किवें रहा। पार्ट ए दे अंदर जो 50 क्वेश्चन आए सी वो बिल्कुल ईजी नहीं सी, करन च टाइम जा रहा सीगा। पार्ट ए दे अंदर जो पंजाबी दे क्वेश्चन देखने को मिले वह पंजाबी लैंग्वेज प्लस पंजाब दे कल्चर नाल रिलेटेड सी, तां उसदे लई तुहाडी अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए सी। तां 50 दे अंदर अगर किसी स्टूडेंट दे 25 मार्क्स बनने हैं तां बहुत अच्छी गल है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि 25 मार्क्स जो है स्कोर करने इस सी। पार्ट बी की गल करिए तो पार्ट बी के अंदर जो साडे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आए, आफ्टर दैट इंग्लिश तो इलावा रीजनिंग मैथ्स कंप्यूटर जीके जीके जो कि जो है सब तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो हम गल करते हैं इसी, तो जेडे भी ये अंदर सब्जेक्ट सके पार्ट बी के अंदर वह सारे ही मॉडरेट लैवल के, कोई भी सैक्शन ऐसा नहीं सी जो अज्यूम कर सकते हो कि बहुत ही ईजी लैवल का रहा। हर क्वेश्चन के उपर तुहानू फोकस करना पै रहा है, यह नहीं भी आते सार आंसर तुहानू पता सी। हुण गल करते हाँ अलग अलग सैक्शन के अंदर की कुछ पूछा गया। तो सब तो पहले शुरुआत करिए जीके की, जीके के अंदर जो क्वेश्चन से उस 25 प्लस क्वेश्चन जोड़े से सानू अलग अलग इंटरनेशनल नैशनल उस तो इलावा पंजाब जीके देखने को मिले। कुछ क्वेश्चन जो सके वह करंट अफेयरस से पूछे गए, कुछ 6 to 7 क्वेश्चन जो से करंट अफेयरस से आए हुए थे अंदर। उस तो बाद गल करिए तो कुछ एक क्वेश्चन साइंस का, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, एंड पॉलिटी के भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। ओवरऑल रिव्यू आप अपनी अगली वीडियो देखा, इतने सिर्फ बच्चों के एनालिसिस तो आप चेक कर रहे हैं कि इन्ने इन्ने क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं। उस तो बाद गल करिए तो मैथ्स के अंदर भी क्वेश्चन जोड़े से डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड से, टाइम वर्क रिलेटिड, सिंपल इंटरस्ट कंपाउंड इंटरस्ट नाल रिलेटिड टॉपिक आया। एक क्वेश्चन आया एजिस के उपर, एक क्वेश्चन आया प्रॉफिट लॉस के उपर। उस तो इलावा रीजनिंग की गल करिए रीजनिंग भी उन्नी सौखी नहीं सी जिनी पटवारी एग्जाम के अंदर देखने को मिली। रीजनिंग के अंदर मिरर बेस्ड या फिर कुछ ऐसे ही सिमिलर जिमें बच्चों का रिव्यूज है उवें ही देखने को मिले कि इसके अंदर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। होर भी कुछ क्वेश्चन सके इसके अंदर जो कि थानू उत्थे सोच के फिर करने पै रहे थे। उस तो बाद इंग्लिश की गल करिए इंग्लिश का लैवल भी मॉडरेट लिया। इंग्लिश के अंदर सिनोनियम एंटोनियम्स करके क्वेश्चन आए थे जो कि देखते सार आंसर करने वाले नहीं सी, हर ऑप्शन सिमिलर लग रही थी। ऐसा बच्चों का रिव्यू सीगा कि उन्होंने चारों की चारों ऑप्शन देखनिया पै रही सी, सब यही लग रहा है कि सिमिलर ही ने। उत्थे बच्चों थोड़ा एफर्ट करना पै रहा है सोचने के लिए किहड़ा ऑप्शन मार्क करिए किहड़ा ना करिए। हुण उस तो बाद गल करिए पंजाबी सब्जेक्ट, पंजाबी पेपर ए के अंदर भी औखी सी, पंजाबी पेपर बी के अंदर भी मॉडरेट लैवल बिल्कुल औखी नहीं कह सकते। अगर तुहाडी तैयारी अच्छी है, अच्छे लैवल की तैयारी एक साल के अंदर कर रहे थे, तो पेपर जो है वह अटैम्प्ट कर पा रहे हो। बट एक इस चीज ध्यान रखना, अगर तुम एक्यूरेसी के अंदर अपने अटैम्प्ट करके आए हो तो तुम सेफ साइड से प्ले कर रहे हो। 100 मार्क्स का साडा सेकेंड पेपर से बी पेपर, इसके अंदर अगर तुम अच्छे स्कोर करके आ रहे हो, की स्कोर रहा बच्चों का, किन्ने मार्क्स बने वो तो बाद की गल है। फिलहाल अगर थोड़े अटैम्प्ट सेफ साइड के ने, मतलब एक्यूरेसी अगर पेपर करके आए हो तो सेफ साइड प्ले कर रहे हो। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स किवें रहे, जिवें जिवें बच्चों ने सानू कॉल्स आ रही ने
एनालिसिस कर रहे हैं, बट पेपर का एनालिसिस ये सीगा कि पेपर ए एंड पेपर बी दोनों ही मॉडरेट लेवल दे रहे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहा जा सकता है, बट अगर तुम्हारी तैयारी बिल्कुल अच्छे लेवल की है तो मॉडरेट है, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी सी मनिया जा रहा है, बट ईजी नहीं सी बिल्कुल भी, कुछ क्वेश्चन मिले होने जो बिल्कुल ईजी लगे होने तुम्हें, थोड़ी तैयारी से डिपेंड करता है, बट ओवरऑल अगर एनालिसिस करिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल कहा जा सकता है। होर अपडेट्स के लिए मिलते रहो साड़ी वीडियोस के अंदर, देखते रहो साड़ी वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके जी, थैंक यू।